मेरे पप्पू को गन पॉइंट पे रख के इन्होंने बोला कि ये बात बोलो बयान कि हानिया साइको है। मेरे पापा ने जो शो बोला उनकी बातें इन्होंने काटी एक्सप्रेस टीवी वालों ने। एक्सप्रेस न्यूज चैनल बंद होगा इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, ये इंसान जो के लिबास ओढ़ता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज फ्राइडे है ठीक है, ये पाक नेक साफ बनता है लेकिन इंतहाई किस्म का, आई एम सॉरी मेरा हस्बैंड है लेकिन ये बहुत गंदा आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबिज वर्ल्ड न्यूज के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मेरे बाप को घर से उठाकर लाया गया, उन पर गन पॉइंट के जरिए सारा बयान दिलवाया गया, मुझ पर आमिर ने अपने गार्ड से तशद्दुद करवाया, मेरा फोन तोड़ दिया, मेरे बाप को भी मारा, मुझे धमकियां दी गई, मैं एक्सप्रेस न्यूज चैनल बंद करवा दूंगी। बुशरा सिर्फ शरीफ लगती है लेकिन वो तूबा से भी बहुत आगे है। मुझे हक महर के 50 लाख चाहिए। मैंने आमिर लियाकत से तलाक ले ली है। इज्जत से अब मैं नदीम नानी वाले से दुबई जाकर शादी करूंगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब बयान हानिया खान की जानिब से एक वीडियो में दिया गया है जो हम अपने नाजरीन को आगे चलकर दिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले शोबिज वर्ल्ड न्यूज के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हानिया खान और आमिर लियाकत की कहानी में एक नया मोड़, जिसमें हुई नदीम नानी वाले की दबंग एंट्री। क्या इस सब के पीछे नदीम नानी वाला था? क्या ये सब एक सोची समझी साजिश थी? तो आइए दोस्तों, हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप लोगों को बआसानी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जैसे कि आपको पता है कि आमिर लियाकत हुसैन ने मुझे कैद कर लिया था और क्लोज कॉलोनी में मेरे पे, जैसे मैं कराची गई एक्सप्रेस टीवी की और वहाँ पे जाके मेरे मोबाइल छीन लिया उसने, हर चीज़ ले ली, पुलिस वालों से मुझ पर तशद्दुद करवाया क्लोज कॉलोनी में, ये मैंने न्यू मोबाइल ले लिया ठीक है। वहाँ से मैं बाइज्जत तलाक लेके बरी हो चुकी हूँ। अब ये इसे देना पड़ रहा है हक पैर 50 लाख और अपना बुशरा बीबी वाला घर। बुशरा बीबी जो बड़ी नेक पाक बनती है, इंतहाई कुत्ते की बच्ची है, आई एम सॉरी उसे मुझे गालियां दें लेकिन वो नेक पाक इस्लाम का नाक उसने ना पोड़ा हुआ है। मैं उनके घर गई ठीक है, मैंने उनसे इल्तजा की, हाथ जोड़ कर बोला कि बुशरा बीबी मेरी हेल्प करें। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड की सुनूंगी। उन्होंने फ़ोन कर दिया आमिर लियाकत को, उन्होंने कहा तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मैं हूँ और थर्ड यहाँ पर आकर हिस्सा मांग रही है बच्चों का। फिर दुआ और अहमद दोनों बाहर आए, इंतहाई गंदी लैंग्वेज उन लोगों ने यूज़ की, बदतमीज़ी की और कहा कि आप बाबा के साथ रहेंगी, आप उनका शो बंद करवा रही हैं, आप उनका कैरियर डैमेज कर रही हैं, आप निकाह पे निकाह नहीं कर सकती, आप लंदन नहीं जा सकती नदीम नानी वाला के पास। नानी वाला से मैं शादी कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बाइज्जत तरीके से तलाक ले ली है और मैं अपना जो उससे मेरा दिल थोड़ा एक साल से बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मिस कैरिज हुआ ठीक है। मैं एक्सप्रेस टीवी की, इसने मेरे पेट पर टांगे मारी, मेरा मोबाइल लिया, इसके ड्राइवर मुमताज़ ने मेरे यहाँ पे फ़ोन छुपाया था ठीक है, क्योंकि उसमें प्रूफ थे, उसने यहाँ से फाड़ के मेरा मोबाइल निकाला और मुझसे ये खुद भी याशी है उसने की एक साल, और अपने ड्राइवर से भी बोला मैं इज्जत लूटो, मैं इज्जत नीलाम करूँ, उसके ड्राइवर ने भी मुझसे बदतमीजी की। ये ऐसा इंसान है मैंने कि अपनी बीवी को पेश कर रहा ड्राइवर, कह के तुम भी इससे मजे लो। हानिया गालियाँ देती है, बदतमीजी करती है लेकिन उसकी वजह है, मुझे कहा जा रहा है मैं साइको नहीं, आई एम फाइन, आई एम ओके। साइको बंदों को ये नहीं पता होता कि गोल्ड की टॉप्स हैं, ये गोल्ड की चैन है, ये कौन है, ये नादे अली है, ये चार पुल हैं, उनको ये नहीं पता होता। कितने तुम करवाओगे? सैयद कमाल अब्बास हेलो, आतिफ हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? जो जो ये देख रहा है प्लीज़ काइंडली इस पेज को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता है। मुझे 2 दिन थाने वालों ने बंद रखा, अपलोज करने वालों ने, जो SHO है DSP उन्हें रिश्वत दी गई और उन्होंने रिश्वत लेके ये मुमताज़ अब आ गया लाइफ में, मुझे देख रहा है। मुमताज़ एक बेगैरत इंसान है, सैयद है लेकिन सैयदों के नाम पर कलक है, धब्बा है। कितना तुम करोगे? गोलियां मारनी है यहाँ पे बैठी हूँ, आके मारो। अगर मुझे कुछ भी होता है मेरे घर वालों को या मुझे, मुमताज़ बुखारी, सैयद मुमताज़ बुखारी, तो उसके जिम्मेदार तुम और आमिर लियाकत हुसैन है। मेरे पप्पू को गन पॉइंट पे रख के इन्होंने बोला कि ये बात बोलो बयान कि हानिया साइको है। मेरे पापा ने जो शो बोला उनकी बातें इन्होंने काटी एक्सप्रेस टीवी वालों ने। एक्सप्रेस न्यूज चैनल बंद होगा इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, ये इंसान जो के लिबास ओढ़ता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज फ्राइडे है
बनता है लेकिन इंतहाई किस्म का, आई एम सॉरी मेरा हस्बैंड है लेकिन ये बहुत गंदा आदमी है, मैं इससे तलाक ले चुकी हूँ। मैंने जब जज को ये बात बताई, इसने इंतहाई बदतमीजी की जज से, इसने कहा मैं तलाक नहीं दे रहा, मैं इस तलाक को नहीं मानता, हानिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, हानिया ने खुद ये बच्चा ज़ाया किया, हानिया को बच्चे पसंद नहीं है। कोई माँ अपना बच्चा खुद मार सकती है क्या? कोई माँ अपने बच्चे को खुद गिरा सकती है? और लाइफ केयर हॉस्पिटल है वहाँ पे एक मेरी फैन थी डॉक्टर जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया था, वहाँ पे इसने बदतमीजी की कर, उन्होंने आके की मेरे पेट में टांगे मारी, बदतमीजी की और मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। जुल्म की इंतहा किया पार अमल है। अब मैंने कहा है मैं नदीम नानी वाले से मदद मांगी हेल्प, नदीम नानी वाले से मैं शादी करना चाहती हूँ, लंदन जाना चाहती हूँ, तूबा और हानिया दोनों से शादी करना चाहती हूँ, तूबा ने भी तलाक का दावा किया, मैंने भी। इसलिए मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है कि लिहाजा हमें जंगे सीधा से बाहर निकाला जाए, हमें पूरे मेरी फैमिली को कस्टडी की जरूरत है, मेरी पूरी फैमिली की जान खतरे में है आम अमल याकूत हुसैन की वजह से। ये एक होस्ट बनता है, बहुत नेक पाक बनता है लेकिन असल में ये एक कातिल है, मेरे बच्चे का कातिल है, मेरी पूरी फैमिली को धमकियां दे रहा है, मेरे बाप को गन पॉइंट पे रखे इसने वो बनाया। देखिए निकाह मजाक नहीं है, इसने तोहीन की है निकाह नामे की, इसने तो कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर मैं तुम्हें अपने निकाह में कबूल करता हूँ, और इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम का मजाक बनाया। कासिम दामन जी, इसने तोहीन रसूल की है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनकी इज्जत ने नहीं सोचा, इन्होंने इस्लाम के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने हानिया को धोखा देते हुए कहा कि हानिया पे जुल्म करेंगे, हानिया को एक साल से मीडिया में आने से रोका है, उसे काम करने से रोका। डॉक्टर अली काजमी सर कहाँ है आप? फहद मुस्तफा भाई आपने भी बहुत, आपने मुझे कहा था कि हानिया मैं आपको काम दूंगा। डॉक्टर अली काजमी साहब आप भी एक सैयद है, मैं भी काजमी हूँ, ठीक है। एहसन शाह, इसने एहसन शाह पे इल्ज़ाम लगाया, मैं आज से 5 साल पहले जब एक ड्राइवर की बेटी थी, हम लोग किराएदार थे, तो एक सैयद ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, सैयद एहसन शाह, ठीक है, मैं राजी हो गई थी शादी के लिए। जिस दिन हमारा निकाह होने वाला था उस दिन सैयद शहबाज अली शाह ने उसका कत्ल करवा दिया, उसका कजन ही है ये, कहते हैं सुन्नी और शिया कभी एक नहीं हो सकते, यही हुआ था। और मैंने उसके मरने के बाद जब उसकी माँ ने मुझे बुलाया था, हसन ने अवैस शाह ने फ़ोन किया था कि एहसन की डेथ हो चुकी है, मुझे लग रहा था मजाक है, जब मैं गई मैंने वहाँ पर सूरत का सूरत नौ पूरा पान सुरता पड़ा था अपने एहसन के ऊपर, और उस दिन से वो मेरे साथ था, जब मुमताज मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मेरी इज्जत नीलाम कर रहा था, तब मैंने बुलाया एहसन शाह, एहसन शाह, और एहसन ने मेरी इज्जत बचाई। तो दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। वीडियो के आखिर में शोबिज वर्ल्ड न्यूज के नाज़रीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप में भी शेयर कर दें। शुक्रिया।